वेलकम अगेन गाइस। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि जो क्लास 10th 11th और 12th में हमको पढ़ाया जाता है, जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर अगर करना है तो सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो का टॉपिक ये है। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कार्बन से रिलेटेड जितनी सारी भी केमिस्ट्री है उसको ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन रिलेटेड केमिस्ट्री को। सो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने जा रहा हूँ मैं। सो गाइस, आपको पता है कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरबरी के हिसाब से 2.4 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंसी जो होती है कार्बन की वो 4 होती है। इतना तो मैं आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा। सो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो कार्बन की वैलेंसी 4 कोवेलेंट बॉन्ड से पूरी होती है, यानी कि उसमें मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। सो यहाँ पर जब कार्बन से, या पहला वाला एग्जांपल देख रहे हैं, जब कार्बन से, मैंने इधर बनाया हुआ रेड कलर से, जब कार्बन से 4 सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हों और उसकी वैलेंसी 4 सिंगल बॉन्ड से पूरी हो तो उनको सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और वहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड से इसकी वैलेंसी पूरी होगी। दूसरे केस में हो सकता है कि 4 सिंगल बॉन्ड जो थे वो 2 डबल बॉन्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। हमें मालूम है जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक आपका ट्रिपल बॉन्ड। 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल पार्टनरशिप से बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से इनका निर्माण होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेशन। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं सबसे पहले एल्केन की। आपको मालूम है कि एल्केन में कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला होती है और उसमें सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, यानी कि उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। अगर हम बात करें तो जो किनारे वाला कार्बन है उसके साथ CH3 होगा, और जो किनारे वाले कार्बन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट से, तो यहाँ पे जो किनारे वाले कार्बन है वहाँ पे CH3, और अगर बिना फंक्शन, बिना साइड चेन की चेन है तो वहाँ पर CH2 बीच में होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा। ओके, अब बात करते हैं हम एल्कीन की। एल्कीन में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, और जिन कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड्स होता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन की। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन की वैलेंसी है उसको बैलेंस हम इन तरीके से कर सकते हैं जो कि मैंने बताया है। या तो कार्बन में 4 सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, या तो कार्बन में 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या तो कार्बन में 2 सिंगल बॉन्ड्स और 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन में 1 सिंगल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। कुछ भी हो, किसी भी तरह से बॉन्ड का ओरिएंटेशन हो, कोई भी अरेंजमेंट हो, कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री हो, लेकिन बॉन्ड्स उसमें 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे। अब बात करते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन की। सो गाइस, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स में होता है कि ये एल्कीन्स ही हैं, लेकिन इनमें जो डबल बॉन्ड का वितरण होता है, यानी कि डबल बॉन्ड जो पाए जाते हैं, इसमें मिनिमम 2 डबल बॉन्ड ज़रूर पाए जाएंगे और 2 से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। इसमें डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन ये होता है कि सबसे पहले डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, उसके साथ सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये लीनियर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, रेखीय संरचना सूत्र, और इसको
बदला जा सकता है दूसरे वाले फॉर्मूले में, जो कि जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को हम लिखते हैं। सो यहाँ पे ये जो लीनियर स्ट्रक्चरल फार्मूला है कॉन्जुगेटेड एल्कीन का, ये 1,3-butadiene को शो कर रहा है। सो ये एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। कॉन्जुगेटेड एल्कीन यानी संयुग्मित एल्कीन की पहचान ये है कि एक सिंगल बॉन्ड, सॉरी एक डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन होता है। जैसे हम अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में भी इसी तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस तरह से बेंजीन भी एक कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक साइक्लिक सिस्टम ही होता है। अब बात करते हैं एल्कीन की। सो गाइस एल्कीन के केस में मिनिमम 1 triple bond होगा। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन। सो कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड, उसके साथ जुड़ी होगी ऑक्सीजन और 2 single bond इस तरह से। सो ये कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मूला है। सो यहाँ पर देखिए जो ये 2 single bond है, इनसे 2 alkyl group जुड़े हुए हैं। यहाँ पे R और R डैश का मतलब है, इस वाले R पे R डैश लगा हुआ था, R डैश का मतलब होता है कि ये alkyl group इससे डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो यहाँ पे R CO, एल्डिहाइड और कीटोन में बस इतना सा फर्क है कि कीटोन के केस में दोनों जो कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा ही है, जो 2 single bond छुटे हुए हैं उसमें एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, जबकि कीटोन में ऐसा नहीं होता। कीटोन में दोनों ग्रुप एल्काइल होंगे या तो एराइल होंगे, तो उसको हम एरोमेटिक कीटोन्स भी कह सकते हैं। एरोमेटिक कीटोन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कीटोनिक ग्रुप होता है। ये देखिए अगर हम इतना आप देख पा रहे हैं तो इतना जो ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप ही है, जो कि मैंने इधर बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 double bond से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। सो इतना ग्रुप तो आपका कीटोनिक ग्रुप है। सो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सभी में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, और कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक तरफ एल्काइल ग्रुप पाया जाता है। अब बात करते हैं एस्टर की। एस्टर में भी कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। इतना ग्रुप आपका कार्बोनिल ग्रुप यानी कि सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ही है। अब इसका नाम है एस्टर, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप हम इसको कहते हैं जिसमें ओ और आर लगा हुआ हो। R एक एल्काइल ग्रुप है और जो O है वो इथेरियल ऑक्सीजन है, यानी कि जो ईथर ग्रुप होता है वो ये होता है O सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, जो कि है एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स का मतलब होता है R C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड X। X क्या है? X हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। सो यहाँ पे RCOCl जो कॉमन फार्मूला लिखा हुआ है, ये एसिल हैलाइड का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं एमाइड्स की। एमाइड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें देखिए RCO ऑलमोस्ट ये जितने भी सारे फंक्शनल ग्रुप हों, चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, एसिड हैलाइड, इसमें सभी कार्बोनिल ग्रुप यानी कि ये वाला सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ग्रुप सभी में है। तो एमाइड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ और फिर एक तरफ NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप लगा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, जो है परऑक्सी एसिड। परऑक्सी यानी कि इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे एक परऑक्साइड लिंकेज पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ लिंकेज है, यानी कि स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है। और जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड, उनको हम परऑक्सी कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक, जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड था, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ओ और बढ़ जाएगा तो वहाँ पर परऑक्सी लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगा, तो वो परऑक्सी एसिड हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, जो कि है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में
सबसे पहले R, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और R होता है। अब इसमें देख लीजिए कि R C डबल बॉन्ड O, इधर से R, ये हाफ हाफ अगर हम इसको कर सकें तो इतना R C डबल बॉन्ड O और R C डबल बॉन्ड O एक दूसरे से ऑक्सीजन के लिंकेज द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस फॉर्मूले को या ये जो कॉमन फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की। सो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा प्राइमरी एमीन। सो इसमें सिंपली एक एल्किल ग्रुप होता है और एक एन एच टू ग्रुप लगा हुआ होता है। अब सेकेंडरी एमीन में एक एल्काइल ग्रुप और बढ़ जाता है और बीच में रह जाता है आर, आर सिंगल बॉन्ड एन एच और आर, यानी कि जो सेकेंडरी एमीन है उसमें एन एच ग्रुप का एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि उसमें एन एच ग्रुप पाया जाता है। इसी तरह से टर्शियरी एमीन में एक और एच एटम हट जाएगा और एक और एल्किल ग्रुप बढ़ जाएगा, यानी कि जो टर्शियरी एमीन है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है एन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको हम टर्शियरी एमीन या तृतीयक एमीन कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसी का वो क्वार्टेनरी एमोनियम सॉल्ट है, यानी कि जब जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर एक्स्ट्रा बच जाता है बॉन्डिंग करने के बाद भी, जब वो लोन पेयर डोनेट कर देते हैं तो कोई एमीन्स, तो वहाँ पर बन जाता है क्वार्टरनरी एमिनो एमोनियम सॉल्ट। इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे। अब बात करते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड की। सो प्राइमरी एल्किल हैलाइड में सिंपली एक तरफ एल्किल ग्रुप होंगे, सिंपली एक तरफ एल्किल ग्रुप होंगे सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर X, X है हैलोजन ग्रुप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन ये सब हो सकते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में क्या होगा कि सेकेंडरी ग्रुप जुड़ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने एक R एल्काइल ग्रुप ले लिया, इसके बाद यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे कोई दूसरा एक एल्काइल ग्रुप है R डैश का मतलब है, अगर यहाँ पे मेथिल है तो यहाँ पर एथिल हो सकता है, यहाँ पे प्रोपिल है तो यहाँ पे ब्यूटिल हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट एल्काइल ग्रुप उपस्थित है। अब जब यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये वाला कार्बन यहाँ पे होगा CH और CH से जब X रिलेटेड है तो वो सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन से जब हैलोजन रिलेटेड है तो उसको कह रहे हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब बात करते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की। तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन ग्रुप एक टर्शियरी कार्बन से जुड़ा होता है। अगर ये पॉइंट जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये जो कार्बन होगा वो टर्शियरी कार्बन होगा, क्योंकि इससे तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और इस कार्बन से जो ये हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको हम बोल रहे हैं टर्शियरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये तृतीयक यानी कि 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। माउस सही से नहीं चल रहा है, सो इस बात के लिए गाइस बहुत बहुत सा सॉरी, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल एक सिंपल सा ग्रुप है R और उसमें फंक्शनल ग्रुप OH, इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। ईथर के केस में क्या होगा कि ईथर के केस में ये जो ग्रुप है इतना सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं ईथर ग्रुप, और ईथर ग्रुप में दोनों ओर एल्काइल ग्रुप रहते हैं। अब थायोल, जैसे होता है अल्कोहल उसी तरह से थायोल है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन जो एटम होता है वो सल्फर द्वारा रिप्लेस हो जाता है, सल्फर द्वारा सब्स्टिट्यूट जब हो जाता है तो उसको हम थायोल कहते हैं। इसको हम बोलेंगे अल्कोहल और इसको बोलेंगे थायोल। सिमिलरली यानी कि इसी तरह से जो ईथर था, ईथर में ऑक्सीजन होता है जिसको इथेरियल ऑक्सीजन कहते हैं, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन हट जाए और एस आ जाए तो आर सिंगल बॉन्ड एस और सिंगल बॉन्ड आर, तो उसको हम थायो ईथर कहेंगे। अब गाइस ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप्स मैंने बताए हैं ये एलिफैटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और एलिफैटिक और एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप्स में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जहाँ पर अगर हम टेंथ
11th और 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो जहाँ पर एल्काइल ग्रुप को R से डिनोट किया गया है, सो जो हमारा एरोमेटिक ग्रुप होता है वो होता है हमारा इतना फेनिल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं फेनिल ग्रुप, C6H5 और सिंगल बॉन्ड, इसको यहाँ पे इस तरह से बनाइए और ये सिंगल बॉन्ड, जो इतना ग्रुप है ये बोला जाता है फेनिल ग्रुप। अगर जहाँ जहाँ पे एलिफैटिक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स में जहाँ जहाँ पर आ रहा है, अगर वहाँ पर हम एरिल ग्रुप लगा देंगे, एरिल ग्रुप का एक एग्जांपल है फेनिल ग्रुप जो कि यहाँ पर बनाया गया हुआ है। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है C6H5। सो ये एक एरिल ग्रुप का एग्जांपल है जो फेनिल ग्रुप है। तो जो सारे फंक्शनल ग्रुप है वो एरोमेटिक में बदल जाएंगे, जहां जहां पर आ रहे हैं वहां वहां पर आप फेनिल ग्रुप लगा सकते हैं। सो गाइस, ये स्पेशलाइज्ड वीडियो है एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, इसी तरह से एरोमेटिक के लिए भी सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर कोई टॉपिक आपका कन्फ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशंस।